AK-47 हम लगाएंगे। AK-47 गाइस मैं इसी वाली क्यारी में लगाऊंगी कि मैंने फिंगर्स पे और इस पे थंब में लगा रखा है टेप। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा मॉर्निंग का 7:18 हो गए गाइस। आज का मौसम बहुत ही अच्छा, एक भी धूप नहीं है और बारिश बारिश का मौसम हो रहा है। और आज गाइस इंटरेस्टिंग वाली बात है कि आज हमें करनी है धान की रोपाई। आप लोग पीछे वाले खेत दे सकते हैं, एक छोटे से क्यारी में लगाई गई है कल, तो मैं उसका ब्लॉग नहीं बना पाई थी। आज बहुत अच्छे हमारे खेत बराबर हो चुके हैं तो आज लगाने, तो कुछ टाइम बाद लेबर भी आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले उद्घाटन गाइस मैं करने वाली हूँ। सो हो चुका मॉर्निंग का 7:30 और गाइस मौसम बहुत अच्छा है, छोटी छोटी बूंदे भी पड़ने शुरू हो चुकी हैं। तो गाइस जल्दी से देरी न करते हुए चलते हैं, पहले लेते हैं धान जहाँ पे क्यारियों में धान की पौध लगी होती है, वहाँ से लेंगे धान। इसके बाद चलेंगे खेत में सीधा धान। चल कृष्णा, बस कृष्णा अभी यहाँ पे है। देखिए चेरी कहाँ लेटा है, चेरी। ये देखिए बारिश बारिश मौसम हो चुका है और सब लोग अभी ना अपने अपने खेतों में एकदम झकास बिंदास, सब लोग अपने अपने खेत बराबर करवा के धान की रोपाई करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी तो पापा लेने गए हैं, जो थोड़ी सी लेबर वगैरह होगी मिल जाएगी। और यहाँ पे एक दादी अपने पौध उखाड़ रही है कि हमारे ही खेत में लगा है इनका भी पौध। और देखिए गाइस ये है हमारा भी पौध और ये वाली क्यारी है हमारी, यहाँ भी है ये वाली है और ये वाली क्यारी हमारी है। तो इस वाली गाइस क्यारी की हमें लगानी है पौध। और देखिए हमारा खेत एकदम ना दोनों क्यारी एकदम लंबी लंबी सी यहाँ तक की है और एकदम बराबर है। और देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर भी चल रहा है, तो ट्रैक्टर भी अपने खेत लोग सब लोग ट्रैक्टर से ही बराबर करवा रहे हैं। और दादी यहाँ पे उखाड़ रही हैं अपनी पौध और हमारी पौध यहाँ पे थोड़ी सी उखड़ी हुई रखी है। तो गाइस इसी को मैं लेके चलूंगी क्योंकि अभी लेबर आएगी, तब तक लोग आएंगे, फिर इसके बाद उखाड़ेंगे। तो गाइस इस वाली क्यारी पे लगाऊंगी क्योंकि छोटी सी मेरी क्यारी है और यहाँ पे लेबर लगाएगी, इस वाली क्यारी में लेबर लगाएगी। और गाइस छोटा सा क्यारी देखिए ये वाला साइड वाला, कल मम्मी लोगों ने लगा दिया इसको, देखिए यहाँ पे छोटी सी क्यारी है। तो छोटी सी क्यारी गाइस मेरी ये वाली भी है, ये देखिए छोटा सा है, कितने अच्छे पौधे यहाँ पे रखी हुई है उखड़ी हुई। तो मम्मी ने कल शाम को उखाड़ी थी, तो गाइस मैं यही उठा के ले जाऊंगी और अपने क्यारी में लगाने वाली हूँ। गाइस देखिए इतनी इतनी गाइस पौध है और ये इसका बीज का नाम है AK-47 नहीं, मैं इसको AK-47 गाइस बोलती हूँ, बट इसका नाम है 17-18 धान है। तो इसको लगाएंगे यहाँ पे, देखिए कुछ मम्मी ने कल शाम को भी फेंक दिए थे और इनको कुछ ऐसे फेंकते हैं। हम लोग देरी नहीं करेंगे और अपनी सारी पौधे यहाँ से ले जा लेंगे। देखिए इतनी बड़ी बड़ी सी पौध हो चुकी है हमारे, और ये AK-47 हम लगाएंगे। AK-47 गाइस मैं इसी वाली क्यारी में लगाऊंगी और अकेले लगाऊंगी और देखती हूँ गाइस मैं कितने टाइम में लगा पाती, ऐसे लगा नहीं पाऊंगी, ये काफ़ी टाइम लगता है इनको लगाने में। तो इनको पटक के यहाँ पे फेंकेंगे। मैंने खूब सारी पौधे यहाँ पे फेंक दी हैं और अब चलेंगे यहाँ से बाहर, चलेंगे उधर साइड से आगे क्योंकि यहाँ से तो रास्ता जाम है, तो यहाँ से ट्रैफिक यहाँ से रास्ता जाम है। तो हम चलेंगे आगे से और गाइस लगाएंगे आज धान का पहला उद्घाटन गाइस मैं करने वाली हूँ, जैसे मैं नहीं करने वाली हूँ, मतलब एक क्यारी मैं करूँगी और आज मेरा फर्स्ट डे। तो गाइस मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि धान कैसे लगती है। और आप लोग भी बताइए कि आप लोग के यहाँ धान लग चुका है या लग रहा है और आप लोग कैसे लगा रहे हैं और कौन सा वाला बीज लगा रहे हैं, AK-47 लगा रहे हैं या फिर कोई और। टेबल भी ले लिया है क्योंकि मैं मोबाइल कहाँ रखूँगी, देखिए क्योंकि सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है और बारिश बहुत तेज हुई है कल परसों हमारे यहाँ। तो मैं अपना टेबल गाइस वहाँ पे रखूँगी और इसके बाद लगाएंगे धान। देखिए कितने सारे मैंने पौध फेंके यहाँ पे और इतने मेरे लिए बहुत हैं। और देखिए अभी कैरी में बिल्कुल भी धान नहीं लगा, तो मैं करूँगी अभी उद्घाटन और आज गाइस मैं इस कैरी में लगाऊँगी और देखती हूँ मैं 2 घंटे में कितना लगा पाती हूँ क्योंकि अभी 7:30 हो चुका है, तो 9:30 या 10 बजे तक मैं लगाऊँगी और देखती हूँ कि मैं कितना लगा पाती हूँ। और देखिए इस क्यारी का पूरा मैं धान लगाऊंगी। और गाइस कैमरे में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, इस लग रहा है 4-5 बीघे का खेत है। और 2 क्यारी गाइस लेबर लगाएगी यहाँ पे और ये वाली क्यारी देखिए मम्मी लगाई थी
और ये सब लोग यहाँ पे देखिए धान ही लगा रहे हैं सब लोग, सब लेबर लगी है। और आज तो हमारा भी खेत लगेगा, तो अभी तो लेबर पापा लेने गए हैं, तो देखते हैं कितने लेबर मिल पाती है, क्योंकि फिर पानी गाइस सोख जाएगा पूरा। रख दी है यहाँ पे टेबल और अभी स्टार्ट करते गाइस यहाँ पे धान। और ये हैंकी गाइस मैं इसलिए रहती हूँ क्योंकि कभी कभी ना कैमरे में पानी पड़ जाता है फिर कीचड़, तो फिर इस पे और इस पे थंब में लगा रखा है टेप, क्योंकि जैसे कीचड़ में हाथ घुस रहना होगा ना तो मेरे नेल्स पे मिट्टी ना जाए, इसलिए मैंने ये व्यवस्था करी है। और देखिए मैंने पौध उठाई है ना, तो इसके अंदर भी चली गई थोड़ी बहुत। तो अब गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग पौध लगाना। गाइस मेरा एक टेप ना निकल चुका है पानी पड़ के, बस हम बस का बचा है। ने ही लगा है अभी। और गाइस कीचड़ बहुत है यहाँ पे, मतलब पानी का भराव कम है, तो पैर ना जैसे नीचे जाता है ना ऊपर उठाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और देखिए मैं कितना थक गई इतना ही लगा के, आपको देखिए कैमरे में पानी ना पड़े। तो गाइस पहले लगा लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में कि कितना टाइम मैंने लगाया। और देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है, 7:47 है, 7:47 8:45 हो चुका है, बारिश भी आने ही वाली है। और यहाँ पे आ चुके हैं बादल। और गाइस मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था और मैंने यहाँ तक लगा दिए हैं, आप लोग को मैं एक बार जूम करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने लगा दिए हैं और इधर जो मैंने पौध थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। और अभी ये बब्बा हैं, पापा ने यहाँ से उखाड़ उखाड़ के फेंकी इधर, तो अभी तो ये गाइस हो चुका है। और देखती हूँ टाइम कितना हो गया और मैं कितने टाइम में इतना लगा पाई हूँ। देखिए 9:09 हो चुका और 9:09 में मैंने सिर्फ इतना ही लगाई हूँ। और एक बार मैं आपको पास जाकर दिखाती हूँ। यहाँ से इस कॉर्नर से इतना गाइस पूरा यहाँ से ना इतना लंबा लगाई है। और अब मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट करके आती हूँ, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं गाइस यहाँ लगाऊंगी इस आगे इसके आगे, और इसके बाद मैं सेकंड मीटिंग में यहाँ पे लगाऊंगी क्योंकि एक ही बार के लिए और बचा हुआ है। और देखिए बारिश एकदम बड़े बड़े से बादल आ चुके हैं और बारिश झमझम वाली होगी। और सब लोग अपने अपने खेतों में इस टाइम पे सब लोग लगा रहे हैं, और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और बगिया हमारी पूरी लहलहा चुकी है। देखिए पूरी हमारी
जो बगिया है पूरी ग्रीनरी हो गई। खैर यहाँ पे गाइस बासी बांस है तो ग्रीनरी तो होगी ही, और हमारे पहाड़ भी एकदम से पूरे हरे भरे। और देखिए इस महुआ के पत्ते के देखिए एकदम रेड रेड सी पत्तियाँ हैं, ये गाइस महुआ, और महुआ के पत्ते भी एकदम रेड से। और बताने वाला घर, और ये है मेरा घर, और बब्बा भी यहाँ पे, बब्बा भी जा रहे हैं गाइस ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मम्मा चिल्ला रही है ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम भी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी हमने लगा लिए हैं धान, और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम हो चुका है, 9:09 हो चुका, 9:10 हो चुका सॉरी। और अभी हम अपना टेबल भी ले लेंगे, क्योंकि हो सकता है हमें थोड़ा टाइम भी लग जाए। और अब चलते हैं क्योंकि बारिश होगी, और तो झमझम में बारिश में लगाएंगे, और बहुत ही मज़ा आएगा। और सच में गाइस कीचड़ है ना, मतलब एक ही मुझे पता चला, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने लगाया है, तो जो खुशी थी ना वो बहुत अच्छी, कुछ ज़्यादा ही खुशी थी, बट अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो हो सकता है अगर 1-2 दिन लगाऊंगी ना, तो हो सकता है खुशी मेरी गायब हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी मुझे दिक्कत इस बात की हुई है कि जो कीचड़ है ना, पानी का भराव कम हो चुका है, क्योंकि कल परसों बारिश बहुत हुई थी, कल थोड़ी कम हुई थी, और आज पता नहीं होगी या नहीं। थोड़ा सा कीचड़ में ना पैर, जैसे कीचड़ में पैर फंस रहा है, उसको उठाने में बहुत दर्द करने लगे पैर, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पत्थर बंधे हों पैरों में। तो वैसे अब चलते हैं, पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में देखते हैं गाइस क्या है, और मैं आपको भी दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में मम्मी ने क्या बनाया है। तो गाइस अभी ना मैं खा रही हूँ ब्रेकफास्ट में, ये है बूंदी, मोतीचूर का गाइस नहीं है, मम्मी ने बनाई है बेसन की बूंदी है, बहुत ही सौंधी सौंधी सी, टेस्ट बढ़िया है, तो टेस्ट बड़ा ही अच्छा है, एकदम मस्त वाला है, और एकदम छोटी छोटी बूंदी है, छोटी वाली छोटी होती है ना बूंदी, देखिए एकदम छोटी सी है, ऐसा लग रहा है उसकी वो मोतीचूर की, बट मोतीचूर वाला तो नहीं है। तो गाइस कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और अब तो गाइस नहीं जाऊंगी, नहाएंगे धोएंगे पूजा पाठ वगैरह करेंगे, और अब आपसे मिलेंगे सीधे हम शाम को। सो हाय गाइस, अभी ना दोपहर का हो रहा है 2, और मॉर्निंग में मैं अपनी आधी कैरी लगाई थी, इसके बाद 8 लेवर आ चुके थे, और अभी हो रहा है दोपहर का 2। सो अभी तो लंच ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने नहा भी लिया, पूजा पाठ भी कर लिया है, लंच वगैरह सबके लिए बना दिया जितनी भी लेबर है, और अभी देखिए मैं 2 कैरी लग चुकी है, जो नीचे की कैरी थी, और 6 लोग जा चुके हैं, 2 लोग भी बुला रहे हैं, मतलब उसकी बच्चा पार्टी भी है, और 2 लोग लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सारे कैरियाँ लग चुकी है, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से, और देखिए दोनों कैरी है, वाली कैरी, दोनों कैरी में लग चुका है, इस वाली कैरी में भी लग चुका है, और अभी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ पे भाई लगा रहे हैं, तो इनकी बच्चा पार्टी बस वही बची है, वो दोपहर का 2 हो चुका है, लंच वगैरह कर चुके हैं, लंच करने के बाद भी लगा रहे हैं। देखिए भाई सबके क्यारियाँ इस टाइम पे, सबके कैरे लगे रहे हैं, सब बच्चे लगा रहे हैं, सब लोग लगा ही रहे हैं, मोस्टली सबके गाइस यहाँ पे लग चुका है, क्योंकि कल परसों बारिश बहुत अच्छी हुई थी। सो अभी देखिए कुछ लोग अभी खेत वगैरह बराबर करवा रहे हैं, 4 क्यारियों में लग चुका है धान, और दोपहर का हो चुका है 2, और 1-2 घंटे हो सकता है अभी और लगेगा लगाने में, क्योंकि अभी 2 कैरियाँ बची, एक कैरी बची है, और अभी उसमें पानी भी भरा जाएगा।